Design journeys. Traditional practices and crafts have been the carrier of culture through time. While design is an essential tool of innovation, in these practices, artisans have contributed anonymously to the function and beauty of objects using their own ingenuity. It is an integral part of their lifestyle. In the India Report, 1958, Charles N.A. Ray Eames commented on the ubiquitous lota they saw everywhere. They said, of course, no one man could have possibly designed the lota. The number of combinations of factors to be considered gets to be astronomical. No one man designed the lota, but many men over many generations. House Roots, ये सेशन अब से हिंदी में है. कृपया अपना ऑडियो म्यूट कर दें और वीडियो भी बंद कर दें. ये ऑनलाइन फॉर्मेट नया है. हम सब अपने निजी फोन और लोकल कनेक्शन से जुड़े हैं. तकनीकी खराबियां हो सकती है, जैसे अभी मेरे यहाँ लाइट चली गई और कंप्यूटर बंद हो गया. कृपया हमारे साथ बने रहें. आज लॉकडाउन का 59वां दिवस है. हमारी जिंदगी बदल रही है, शहर और गांव दोनों में, पर हमें आगे बढ़ना है और धैर्य के साथ. आज का पैनल प्रस्तुत करने में मुझे बहुत खुशी है. पद्मश्री लैला त्याग जी, ये एक जानी मानी क्राफ्ट डिजाइनर, राइटर और चेयर पर्सन दस्तकार है. ये एनजीओ को उन्होंने स्थापना भी की है. हमारी तरफ से इनकी क्राफ्ट जर्नी खमीर से शुरू हुई और पिछले लगभग 40 सालों से ये ग्रास रूट आर्टिजंस के साथ काम कर रही है. खमीर और मेरे लिए पर्सनली आप डिजाइन मेंटर और रोल मॉडल भी हैं. थैंक यू. और मस्का लगाओ तमीम. नहीं, मस्का नहीं है ये. खत्री अली मोहम्मद ईसा बाली के मशहूर उस्ताद हैं. आपकी माता खत्री हाजरा बाई और आपकी वाइफ सकीना अली मोहम्मद को इकट्ठे सन 1976 में राष्ट्रीय पुरस्कार पुरस्कृत किया गया बांधनी में. आपका रिवॉर्ड आप कहते हैं कि एक्सक्विजिट पीसेस बनाने से मिलता है. शहरों की एग्जीबिशंस में लेडीज और जेंट्स दोनों एक बराबर आपके पीसेस के लिए लड़ते थे. आज हमें कुछ पीसेस देखने का भी मौका मिलेगा. डॉक्टर इस्माइल खत्री, प्यार से इस्माइल भाई, दुनिया भर में मशहूर हैं अजरक ब्लॉक प्रिंटिंग प्रोसेस और डाइंग की मास्टरी के लिए. इस विषय में आपकी अंतर्दृष्टि है और इसके साथ आपका हास्य भाव और विनम्रता, स्पेशली जब अनगिनत सवाल और लोग आपके शानदार कंटेम्पररी स्टूडियो में पधारते हैं. आपको ऑनररी डॉक्टरेट डी मॉन्फोर्ट यूनिवर्सिटी लेस्टर यूके 2003 में पुरस्कृत किया हुआ, यूनेस्को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडीक्राफ्ट और राष्ट्रीय मेरिट सर्टिफिकेट भी पुरस्कृत किया है. बनकर श्यामजी विश्राम, प्यार से श्यामजी भाई, आप एक मास्टर वीवर, एंटरप्रेन्योर पावर एक्सीलेंस और सकारात्मक इंसान हैं. आपको पुरस्कृत हुआ यूनेस्को सील ऑफ एक्सीलेंस और राष्ट्रीय पुरस्कार 2005 में. आपका जीवन एक उदाहरण है. आपका घर, आपका स्टूडियो, पहनाव और व्यक्तित्व स्लो लिविंग और सस्टेनेबिलिटी का एक अवतार है. आप अनेक कारीगरों के साथ जुड़े हैं, वीवर्स, स्पिनर्स और कच्छ के विभिन्न समुदायों जो एम्ब्रॉयडरी में काम करते हैं, जैसे रबारी, आहिर, एक्सेट्रा. आज हमारे साथ चार उस्ताद एक नॉस्टैल्जिक जर्नी, उदासीन यात्रा पर जा रहे हैं. ओवर टू यू लैला. नमस्ते, केम छो, आदाब, मजामा. आज जब मैं तैयार हो रही थी, मैंने सोचा कि ये तीन उस्ताद
आपके सामने मैं क्या पहनू, अजरक पहनू, बांधनी पहनू, भुजोरी पहनू, तो तीनों का मिलावट मैं नहीं कर सकी, मगर कम से कम मेरे पास बांधनी भी है और मेरे पास अजरक भी है। ये सुहेल की एक बहुत खूबसूरत साड़ी, और अगले बार श्याम जी भाई मैं आपका भुजोरी पहनू, ठीक है। तो जैसा तनवीन ने कहा, मेरे लिए कच्छ बहुत ही खास जगह है, क्योंकि मैंने मेरा क्राफ्ट का यात्रा यहीं शुरू किया था अभी 43 years ago, और उस समय शायद श्याम जी भाई सिर्फ छोटे से बच्चे थे, मगर मैं अली मोहम्मद को बहुत अच्छी तरह से जानती थी और इस्माइल भाई भी उस समय सीख रहे थे अपने वालिद से, और उनके वालिद को तो मैं बहुत बहुत मानती थी और उन्होंने मुझे कच्छ के बारे में बहुत सिखाया। तो शुरुआत में मुझे ये पूछना है सवाल आप लोगों को, जिन्होंने कच्छ का भी अनुभव किया है और हस्तकला और बुनाई बांधनी और ब्लॉक प्रिंटिंग को देखा है कच्छ में होते हुए, तो सबसे पहले मुझे ये पूछना है कि ये छोटे से जिले में, तो कच्छ एक बहुत ही छोटी जगह है, मगर इसमें इतना कला और हैंडीक्राफ्ट कैसा हुआ, क्योंकि अजरक बांधनी बुनाई के अलावा चमड़े का काम भी है, पीतल का काम भी है, तांबे का है, चांदी का है, लकड़ी का है, टेराकोटा भी है, हर किस्म कलाकारी, और हर एक गांव में अलग अलग किस्म की भारत कढ़ाई भी होती है। तो ये क्यों हुआ, आपको क्यों लगता है कि ये छोटी सी जगह में इतना सब कला और कारीगरी पैदा हुई है? आप कहना चाहते हैं अली मोहम्मद, बोलिए। ये जो कला है, सब जो कलाएं हैं, उसका इतना ज्यादा डेवलप कच्छ में क्यों हुआ है, इसकी एक ये वजह है कि वो किनारे पे आई, दरिया के किनारे पे आई है, और वहां से जो शिप जा रही थी और देशों में, तो हमारी जो कला जी यहाँ की जो अच्छी कला, वो लोग वो खरीद के वहाँ बेचते थे, ताकि ये एक ऐसी अलग टाइप की बाजार मिली, और वो धीरे धीरे वो इतनी डेवलप हो गई। अपने यहाँ जो भारत में जितनी होनी चाहिए इतनी नहीं मिलती, मगर बाहर के लोग उसको पसंद बहुत ज्यादा कर देते, इसकी वजह ये है। मगर लोग अपने लिए भी तो बनाते थे, क्योंकि जब मैं आए 40 साल पहले, मगर तो फिर क्या हुआ है कि जो शादी ब्याह हुई या अपने जहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ और कोई एक आदमी डेड हो गया, तो उनके लिए भी बांधनी का होना जरूरी हुआ, तो शादी में भी बांधनी चाहिए, अगर बच्चा पैदा होता है तो उसको भी पहनने के लिए पहले बांधनी चाहिए, और जब वो उसका जो डेड होता है, ये लेडीज है या जेंट्स है, तो उसके भी जानने के लिए वो बांधनी की इस्तेमाल करते थे, यानी कि उसकी जो जिसको बोलते हैं कि जनाजा जा रहा है, जो मरे हुए आदमी का जनाजा जा रहा है, तो उसके ऊपर जो औरत है तो उसी तरफ का होता है, और अगर आदमी है तो उस अलग टाइप का उसका जो डिजाइन वगैरह होता था वो अलग होता था, ताकि ये सब यहाँ एक ऐसा लगा हुआ था कि ताकि सब लोग वो जान सके कि वो हरकत क्या हो रही है। अभी देखिए रबारी लोग हैं, तो उनमें भी जो दाने होते हैं, कोई सफ़ेद पहनता है, कोई लाल पहनता है, कोई ऑरेंज में पहनता है, तो उसकी भी एक और वजह होती थी। तो वो इतना मेरे पास इतना उसका नॉलेज नहीं है, मगर जब वो वाइट होता है तो शायद उसका पहनने का जो उसकी उम्र के हिसाब से, या वो मैरिड है या अनमैरिड है, उसका वो सामने वाले ऑडियंस को मालूम पड़ता है कि ये
मैरिड है या अनमैरिड है या इसकी उम्र इतनी हो गई है वगैरह वगैरह, वो ऑडियंस को मालूम पड़ता है। एक निशान था उनके कहां से आए हैं। और मैं एक बात बता दूं, है क्या चीज है, मगर वो तो देखिए तो सही है अली मोहम्मद, मगर मैं श्याम जी भाई से जरा पूछना चाहती हूँ कि मैं आई थी 40 साल पहले तो कोई अपना भारत बेचते नहीं थे, मगर लोग जो ऊंट को चलाते थे बकरी को चलाते थे वही औरत काम को आके इतना महीन भारत का काम करती थी खुद के लिए या अपने बेटी के लिए, बेचने का उस टाइम दिमाग में आई नहीं। तो ये क्या चीज है, क्योंकि हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग हाथ का काम करते हैं बेचने के लिए। अभी तो कच्छ में ये हो गया तो सब लोग वो बोलते हैं कि हम तो पॉलिएस्टर पहनेंगे मगर हम कढ़ाई करके बेचेंगे, मगर उस समय ये नहीं था। हर एक घर में इतना इतना सजावट, इतना कला दीवारों पर, अपने पेटियों पर, अपने गोदरी के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर कुछ डिजाइन और ऑर्नामेंटेशन होती थी। मेरा जब तक समझ है तो हमने जो हमारे बुजुर्गों से बातें सुनी है, कच्छ एक वैसे आइलैंड ही रहा है और सब समुदाय हिंदू मुस्लिम खत्री वीवर्स वाडा रबारीज आहिर सब उसी पूरे कच्छ में अलग अलग जगह में रहते हैं और ये टाइम है वैसा आना जाना कम है जैसे अभी। तो पुराने टाइम में कच्छ एक ऐसा ही जगह है जहाँ पे सब समुदाय एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है और सबका काम भी चल रहा है और सब अपना शांति से और सुख से उसी एरिया में जी रहे हैं और जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो यही एक वजह है कि यही इनका लाइफस्टाइल भी यही हो गया है और सब समुदाय अपने काम से अपने खूबियां से ही पहचानी जाती थी और वही काम वो समुदाय की पहचान बनती रहती थी। तो जैसे आप बता रहे हैं कि एम्ब्रॉयडरी है, हमने एम्ब्रॉयडरी बहुत पुराने समय की जो बात है वो खुद के लिए बनाना था, डावरी सिस्टम से लोग बच्ची सब 12-15 साल की है तब वो एम्ब्रॉयडरी करना सीखती है और फिर उसकी शादी होती है तब तक वो 6-7, 7 साल, 8 साल बनाएगी और फिर वो अपने ससुराल लेके जाएगी। और जिसका बोल रहे हैं कि सबसे अच्छा काम है वो वही सोच के बनाती थी कि मैं मेरे ससुराल में जाऊं और सबसे अच्छा से अच्छा काम लेके जाऊं। तो मेरे को लग रहा है कि ये चीज धीरे धीरे और समुदाय में जो एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं उस समुदाय में वो कम होती गई, क्योंकि जितना महंगाई उनका काम है गाय भैंस बकरी चराना और वो काम धीरे धीरे बारिश कम होने की वजह से कम हो गया और वो बाजार के साथ वैसे तो बार्टर सिस्टम ही था, कोई समुदाय को पैसे का जरूर नहीं था, बुनकर हम बनाते और खत्री लोगों को देते, आहिर रबारी सबको देते, उसके बदले में अनाज या और चीजें हमको मिलती, तो कहीं पैसों का लेन देन ही नहीं था। उसी तरह में मेरे को लग रहा है कि एम्ब्रॉयडरी काम में भी वैसा ही होगा और फिर जब ये लेन देन चालू हुआ तब उनको और चीजों के लिए पैसों की भी जरूरत हुई और तब ये चीज मेरा समझ है और हमने जो बुजुर्गों से बातें सुनी मार्केट में आया। हाँ, तो अभी हमको इससे थोड़ा हटके सोचना है कि जैसा मैं फिर से मेरा तजुर्बा कच्छ का दौरा के, जब मैं आई थी पहले 1978 में तो उस टाइम बहुत सूखा था और मेरे ख्याल से कुछ 4 या 5 साल से बिल्कुल कोई बारिश नहीं आई थी, तो पानी भी नहीं था, लोग बहुत ही भूखे थे और इस वजह से गुजरात सरकार ने ये गुजरी शुरू किया था और लोगों को काम देने लगे, काम खरीदने लगे और बेचने लगे और थोड़ा थोड़ा पैसा कच्छ में आ गया। और वो शुरुआत थी कि लोगों को ख्याल आया कि ये जो कला हमारे हाथों में है इससे कुछ पैसे भी बन सकते हैं और इससे हमारे परिवार को फायदा भी मिल सकता है। तो ये गुजरी शुरू हुई, पूरे हिंदुस्तान में गुजरात और कच्छ का नाम भी काफी मशहूर हो गया और लोग मांगने लगे, खरीदने लगे, बोलने लगे ये लव्स
अजरक बांधनी ये सब लोगों को थोड़ा समझ में आने लगा और मांगने लगे। फिर उसके बाद बहुत बुरा भूकंप हुआ, उसे लगा कि पूरा टच खत्म। और मुझे याद है ढमटका जाके इस्माइल भाई के घर जो बिल्कुल चूरा चूरा था, और उस टाइम बहुत से सरकार के लोग आए थे और विदेशी भी आए थे, सोसाइटीज भी आए थे, सब लोग रिलीव करने के लिए। और मुझे याद है कि इस्माइल भाई ने कहा, वो खड़े थे अपना घर जहाँ बिल्कुल चूरा, और उनके घर वालों का भी देहांत हुआ था सब चीज, मगर उन्होंने मिस्टर बसीन और मुझे कहा कि हमको लेन देन नहीं चाहिए, आप हमें हथियार दो, हम अपना जिंदगी फिर से बनाएंगे, जो कला हमारे हाथ में है उसी को लेके हम कच्छ को फिर से खड़ा करेंगे। और ये मैं कभी नहीं भूली हूँ। और मेरे ख्याल से अभी जो पूरे हिंदुस्तान में जो समस्या हुई ये कोविड की, ये वैसा ही एक जमाना है जिसमें कलाकारों को, कारीगरों को अपने हाथ का कला और अपनी जो ताकत और अपनी जानकारी और क्रिएटिविटी को लेके नया जीवन बनाना है। अभी सब चीज बदल गया है, मार्केट भी बदल गया, खरीदार भी बदल गया, सामान आने जाने का तरकीब भी बदल गए हैं, और अभी हम लोग को सोचना है कि कैसा करें। और मेरे ख्याल से जो कच्छ के जो कारीगर हैं, जिन्होंने ये सब चीजें पहले भी देखी हैं कि कैसा एक चीज एक जमाना खत्म हो जाता है और नया कुछ बनाना होता है, आप लोग सच्ची पूरे हिंदुस्तान के कारीगरों को रास्ता दिखा सकते हैं। तो इसके बारे में मुझे आपको आपका सलाह भी लेना है, और आपकी जो आपको लगता है आपका तजुर्बा और सब, प्लीज इस्माइल भाई आपसे तो सुने भी नहीं है। अभी हम शुरू करें, आज अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन ये हमारे अली मोहम्मद भाई और सामदी भाई ने आपको दी है। और कच्छ भी क्या है कि वो जो मुसीबत थी जो अर्थक्वेक की, वो सिर्फ कच्छ में ही थी, बाकी की दुनिया सब बराबर थी, और बाकी की दुनिया में से काफ़ी सारी हेल्प लोगों को मिली। लेकिन ये जो चीज़ है ये तो पूरी दुनिया के अंदर है, न केवल हमारे साथ है। तो मेरा मानना तो ऐसा है कि अगर हम अभी कोई डिजाइन के लिए सोचेंगे या बिजनेस के लिए सोचेंगे, ये तो उचित नहीं है। कि हमें यही सोचना है कि बीमारी भी खत्म हो और रोजगार भी निकलता जाए, और हम दस या करोड़ों वाले न कमाए लेकिन अपना गुजारा भी चलता रहे और सामने टारगेट बीमारी भी खत्म होती रहे। कि ये एक तीर से दो शिकार होंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये बीमारी खत्म होगी इसके बाद रेगुलराइज अपने आप होता जाएगा। अब इसके अंदर क्या डिजाइन चाहिए, क्या चीजें चाहिए, क्या इसका नक्शा होगा, तो ये थोड़ा थोड़ा समय आता जाएगा और देखते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे। लेकिन अभी हम ये नहीं सोच सकते कि हम कुछ ऐसा डिजाइन बनाएंगे तो ऐसे दुनिया में चल पड़ेगा, ये बनाएंगे तो दुनिया में चल पड़ेगा और इसमें हमें करोड़ों मिलेगा, नहीं इसमें हमें करोड़ों मिलेगा। हम भूल जाए इस चीज को, अभी तक दो तीन साल तक जब तक ये बीमारी है, ये बीमारी जब खत्म होगी उसके बाद तो ठीक है, कमाना है सबको और हम कमाते भी थे, और अगले हम दिनों को देखें और पिछले दिनों बीच वाली जिंदगी को देखें। लेकिन ये जो चीज आई है, तो ये जो चीज पूरी दुनिया के लिए है, पूरी दुनिया इसके अंदर ऐसे ठिठक गई है कि लॉकडाउन हो गया, कोई बाहर नहीं निकल सकता, कोई सब घर में बैठ बैठ के सब बोर हो रहे, सब परेशान हो रहे, झगड़े हो रहे, ये सब हो रहा है। तो इसके अंदर थोड़ी बहुत एक्टिविटी जो होती है तो उसके अंदर टाइम पास भी होता है, रोजगार भी होता है, और ये बीमारी भी खत्म कर सकते हैं ऐसे करके। तो ये मेरे को लगता है ऐसा ये जो जो समय आता जाएगा तो उसके दरमियान ऐसे आइडिया भी आते जाएंगे और हम इसके ऊपर अमल करते जाएंगे तो होता जाएगा। जैसे अर्थक्वेक में आपको लगता है कि अभी जब आने जाना कम हो गया, ना विदेश से बायर्स आ सकते हैं, ना हिंदुस्तान के लोग आ सकते हैं, ना आप लोग बाजार में जा सकते हैं,
आपको लगता है कि ये लोकल मार्केट से शुरू हो जाएगी, लोग हो सकता है सामान खरीदने लगेंगे, जब आप लोगों को लीवाई जीन नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, तो वो ये हो सकता है लोकल मार्केट जो लोग पहले जमाने में पहनते थे या अभी भले नया फैशन पहने, लेकिन अगर बाहर से कपड़ा इधर नहीं आ रहा और इधर से बाहर नहीं जा रहा तो लोगों को कपड़ा तो पहनने के लिए चाहिए, लेकिन सबसे मौका है और दूसरी बात ये है कि लोग क्या सोचते हैं, पहले जमाने में हम लोग रबारी लोगों के अंदर व्यापार करते थे और काल पड़ते थे, तो रबारी लोग ये बोलते थे भाई कपड़े को तो पेबंद लगेगा, थिगड़ा आएगा, लेकिन पेट को थिगड़ा नहीं आएगा, ऐसा बोलते थे कि कपड़े को तो पेबंद भी लगा लेंगे लेकिन पेट को पेबंद नहीं लगा सकते। तो पहले लोग अपना खाने के लिए सोचेंगे और नंबर दो में कपड़े के लिए सोचेंगे। Are you saying that it's time for the poll? I thought I saw a message from you. Yes, please. It's time for the poll. The first question. The first question, please, Kamil. Kamil, could you please first the first audience poll question? It's not working right now. Poll is not working. I think we have to continue with the poll. Shall we just carry on? Yeah. Okay. So, ye ek mudda tha ke kach wale aur karigaron ne kya sikha hai ye इतने साल, खुशी का जमाना, समस्या का जमाना, मार्केट में बहुत डिमांड होने का, फिर डिमांड कम होने का, तो हम लोग कमी के लिए यहाँ पे हैं। हेलो, आगे 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 या Kamil, could you please put the first audience poll question? We run the audience poll for 40 seconds. So you have to click it. You have to tell them what they have to click. Yes. On the screen, please click the multiple choice that you agree with. Aishwarya, are you getting there? It is. Yeah. The poll results say 23% people buy craft because it's decorative. 85% buy it because of its cultural value, 0% because it's cheaper than branded products, and 56% buy it to support artisans. This is good news, Leila. 0% buy it because it's cheaper. This is very good news. और ये है जो मैं बहुत सालों से कारीगरों को कह रही थी कि आजकल अगर आप मेट्रो मार्केट के बारे में सोचोगे तो लोग ज्यादा कीमत का नहीं सोचते हैं, उनको आदत हो गई थोड़ा बार्गेनिंग करने का, क्योंकि वो समझते हैं कि ये फैशन है बार्गेनिंग करना, मगर सच्ची अगर उनको सामान अच्छा लगे तो उनको वो खरीद लेंगे, कीमत के बारे में ज्यादा वो नहीं सोचेंगे। मगर इसके साथ एक और चीज है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत बहुत कारीगर हैं, हजारों लाखों कारीगर हैं, विदेश के लोग और शायद जो दुकानदार और एक्सपोर्ट बायर्स और सब सोचते हैं, क्योंकि बहुत से हाथ हैं, सामान सस्ता होना चाहिए और थोक में बनना चाहिए,
और ये ऑर्डर्स आते हैं जिसमें 500 पीस 1000 पीस 6 हफ्ते के अंदर चाहिए और हर एक पीस बिल्कुल एक जैसा, उसका साइज भी एक सूट बड़ा नहीं एक सूट कम नहीं, रंग में भी कोई बदलाव नहीं। और ये सच्ची जो कारीगर जिस तरह से चीजें बनाता है इसका बिल्कुल उल्टा है। कोई कारीगर को बोलो कि तुम ये बहुत खूबसूरत बनाए हो, अभी 500 पीस बिल्कुल वैसे ही बनाओ और मुझे परसों तक दे दो, तो उसको क्या मजा। वो कोई सीमेंट फैक्ट्री में जाके एयर कंडीशनिंग में बैठ के अपनी रोजी रोटी कमा सकता है। ये जैसा मैस प्रोडक्शन, ये कोई हस्तकला का एक भाग ही नहीं था कभी। और मेरे ख्याल से ये जो कोविड का जो लॉकडाउन है, ये एक समय है हम लोग सबको सोचने के लिए कि हम लोग सच्ची हमारा प्रोडक्शन किस तरह से करना चाहते हैं। कि अगर समझो आजकल सबके पास कच्चे माल की कमी है, हम लोग को दस्तकार के दफ्तर में हर एक कोने से लोग आ गए हैं कि बोल रहे हैं बहन जी पहले 3-4 हफ्ते तो हमने चला लिया, जो हमारे पास घर में था हमने उसको इस्तेमाल किया, मगर अभी हमारे पास कच्चा माल नहीं है, हम लोग क्या बनाएं। और मेरा उनका उनको मैं ये सुझाव देती हूँ कि अगर आपके पास छोटा थोड़ा माल है उसमें से कोई ऐसी अच्छी चीज बनाओ, वैल्यू एडेड चीज बनाओ जिससे आपको अच्छी कीमत बनाए। ये मत सोचो कि मेरे पास इतना है तो मैं इससे छोटे छोटे 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए की चीजें बेचूं, क्योंकि सच्ची इसमें आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। जितना भी आप उसको सस्ता बनाओगे, जितनी अपनी मजदूरी का कीमत कम करते जाओगे, आजकल हाथ का सामान और मशीन का सामान का मुकाबला ही नहीं है कीमत में। तो आपको डिजाइन और क्वालिटी के ऊपर सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए। ऐसी चीज बनाना है जो सिर्फ आपके हाथ और आपके दिमाग की मिलावट से बन सकती है, कि कोई मशीन के अंदर नहीं बन सकती है। आजकल तो बहुत हो रहा है, लोग अजरक के डिजाइन स्क्रीन प्रिंटिंग कर रहे हैं और बल्कि मिल में भी उसको छाप रहे हैं, लोग बांधनी के डिजाइन को स्क्रीन में लगा रहे हैं। मगर जिनको जानकारी है उसको पता चलता है कि क्या चीज असलियत है, और आपको उसी के ऊपर जोर देना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये जो अभी जो समय है इसके अंदर आपको अपने अगले साल का प्रोडक्शन प्लान करना चाहिए कि हम क्या बनाएंगे। हमारे पास इतने कारीगर हैं, हमारे पास पैसे सिर्फ इतना ही है कच्चे माल के लिए, उसका सबसे अच्छा फायदा कैसा उठा सकते हैं, और फिर उसका मार्केटिंग भी थोड़े अलग किस्म से क्वालिटी से। ये नहीं कि हर एक मेले में जाओ और बैठो पटरी के ऊपर बेचो, अच्छी तरह से उसको पैकेजिंग करो, प्रेजेंटेशन करो। और इसलिए इसके लिए मेरे ख्याल से आपको फंडिंग भी मिल सकती है। मगर अगर आप सोचोगे कि अरे लॉकडाउन खुल जाएगा और हमारे पास जो भी सामान है और जो हम बना सकते थे अच्छा बुरा फटा फेडेड सब चीज को लेके बेचेंगे, तो मेरे ख्याल से हस्तकला और हैंडीक्राफ्ट कभी फिर से नहीं उठेगा। क्योंकि अफसोस की बात है कि जैसा इस्माइल भाई कह रहे थे कि लोग अपना पेट का पूजा तो करेंगे, खाने पीने का के ऊपर खर्च तो करेंगे, मगर हैंडीक्राफ्ट कोई एसेंशियल आइटम नहीं है। तो उसमें कोई चीज होनी चाहिए जो बिल्कुल आंख को दिल को, और खरीदार बोले कि ये मुझे लेना ही है, और ऐसे चीजें आपको बनानी चाहिए। क्योंकि ये है फर्क जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और हाथ का सामान। इसके ऊपर अली मोहम्मद कुछ कहना है? देखिए मेरे हिसाब से मैंने कोई पीस बनाया तो वो एक पीस नया बनाया, नया कलर है या नई डिजाइन, तो उसकी कॉपी तो होगी। वो बांधने का कारीगर है वो तो कॉपी करेगा, मगर इंडस्ट्रियल वाले भी उसकी कॉपी करते हैं। बहुत सी ऐसी कॉपी जहां हमने देखी है बाजार में जा रहे हैं लोग पहनते हुए,
वो चांद्रो खानी की डिजाइन जो है वो प्रिंट में ले लिया, तो जैसे वो जो इसके बांधने के अंदर जो वो क्रिंकल जो इफेक्ट वो उसमें नहीं होती, तो बांधने के लिए ये एक प्लस पॉइंट है। अगर वो बांधने फ्लैट हो गए तो वो दिखने में तो जैसे वो प्रिंट है ऐसी लगेगी। तो जो ये जो प्लस पॉइंट है वो आपने ऐसा सुना है कि जो जापान में जो बांधने का जो किमोनो बनाते हैं उसमें जो उनकी एक बेल्ट बनाते हैं किमोनो में, तो वो जो बेल्ट है उसमें कोई ऐसी ट्रीटमेंट देते हैं जिससे उसकी जो क्रिंकल इफेक्ट है वो परमानेंट हो जाती है। मगर मैंने बहुत ट्राई की कि मैं ये परमानेंट कैसे होती है, मगर किसी ने मुझे सही जवाब तो दिया नहीं है। मेरी कोशिश अभी चालू है कि ये परमानेंट उसकी जो इफेक्ट है जो क्रिंकल की वो कैसे रह जाए ताकि वो प्रिंट से अलग हो जाए और उसकी वैल्यू जो है वो वैल्यू रहे। तो इसके ऊपर आप काम कर रहे हो? अभी इसमें मैंने ऐसा सुना है कि उसमें कुछ कपड़ा अलग टाइप का होता है। अच्छा। ये कहता है कि उसमें कुछ मेल जोल का कपड़ा होता है तो उसमें हो सकता है, और अगर वो 100% जो प्योर है तो उसमें ये इफेक्ट नहीं आएगी। मगर जो भी हो, एक मेरे पास ऐसा एक सैंपल है जो वो भी कहते हैं जिसको जो उसका बेल्ट जो होता है किमोनो का, तो अभी तक मेरे पास आज 20 साल हो गए वो ऐसा ही मेरे पास है। उसको मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वाह क्या बनाया उन्होंने, मैं लीगो का कलर लगाया है कपड़े में भी, कपड़ा भी बेहतरीन कपड़ा है तो बहुत बेहतरीन, और वो जैकार्ड टाइप का ऐसा बनाया है। तो अगर हम काम करते हैं तो हमको सब साइड देखनी चाहिए कि कपड़ा कैसा है, कपड़े की क्वालिटी कैसी है, उसमें रंग कैसा अच्छा रहेगा, कौन सा कलर अच्छा रहेगा, उसमें बांधने के डिजाइन कौन सी बनाएंगे। तो ये हर जो पॉइंट होता है वो पॉइंट सोच के हमें अपना जो बनाना चाहते हैं वो बनाएंगे। अब ये बात हो गई। अभी मैं एक और बात बता दूं कि जो मार्केट अपने को जो लेना है उसकी मैं एक मैं इसका पॉइंट बता दूं कि हम क्या बना सकते हैं तो हम क्या कैपेबल है बनाने के। तो आप जो कैपेबल है उसकी मार्केट के तुम शोध करो कि मेरी जो कैपेसिटी है वो मार्केट कहाँ है, ताकि उसकी वैल्यू होगी। आप हर कोई किस्म बना के रख देंगे कि ये बनाया तो उसकी कोई वो तो मार्केट की कोई वो नहीं रहता है। अगर आपको अगर मार्केट अच्छे काम के लेनी है तो अच्छा काम आप कर सकते हैं, तो वो अच्छी मार्केट में आप जाइए। अगर आप थोड़ा सा लोअर काम कर रहे हैं तो आप उस मार्केट में जाइए। तो ये एक सही तरीका रहेगा, मेरा ये अंदाजा है। इस्माइल भाई आप सुन गए हो? सुन सकते हैं। अभी आपके अजक में मेरे ख्याल से ब्लॉक बनाने के अलावा, डिजाइन बनाने के अलावा, रंग बनाने के अलावा 17 स्टेजेस हैं अजरक प्रिंट को पूरा करने में, है ना? अलग अलग। तो ये आपको लगता है कि जो नई पीढ़ी है वो ये सब करने के लिए तैयार है? और क्यों, आपको क्यों लगता है कि अभी तक जवान लोग ये इतने कठिन और मुश्किल प्रोसेस को करने के लिए तैयार हैं? मतलब ये अभी तक ये जो तैयार है इसका मतलब ये था कि सामने इनको लेने वाले लोग थे, कि जो मार्केट था, कि जो पुरानी जो चीज़ें हैं जो मेहनत लग के होती है तो उसकी तो वैल्यू है और है। जैसे अभी अली मोहम्मद भाई ने बताया कि जो कुछ प्रयत्न कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो कि जो टिकाऊ हो जावे, टिका रहे। तो अजरक में
और बांधनी के अंदर, बांधनी जो है वो भी औरतें पहनती थी हमारे पास, वो सिंगल बांधनी होती थी जो स्कर्ट पहनती थी, हम उसकी साड़ियां बनाई थी उसके, आपको याद हो तो। ये जो रंग है यहाँ के जो माफक थे इस गर्मी की वजह से, इस धूप की वजह से और इस ठंड की वजह से उसकी जो तासीर थी, और वो लोगों को अभी दुनिया के वापस आ रही है कि दुनिया आगे बढ़ गई बहुत सारी, फिर अभी ये वापस आ रही है कि पहले जो क्या था वो हमको चाहिए। अब जो हम पे पहले आए तो अपना काम चल रहा है, न केवल हमारा, पूरे गांव का, पूरे दो तीन गांव का काम चल रहा है। वजह क्या हुई कि एक चीज को उन्हें समझाया गया कि ये अदरक है, ये ऐसे बनती है, इसकी ये खासियत है, और यहाँ जो इंडस वैली के जो लोग थे वो ये पहनते थे। इसकी वजह क्या थी कि यहाँ पे रात को इतनी ठंड पड़ती है ये रण के अंदर कि तेल भी जम जावे, और दिन में इतनी लू लगती है, गर्मी होती है, तो एक कपड़ा दोनों टाइम के अंदर सपोर्ट करता था ये, कि गर्मी भी देता था और सर्दी भी देता था। फिर दूसरा इसका एक लॉजिक था कि वो लोग जाते थे वहाँ अपना मवेशी चराने को, तो वाइट डेजर्ट के अंदर, तो वाइट डेजर्ट पार करके सामने जमीन होती थी, वहाँ ये चरते थे। वहाँ पे कभी कभी कोई बीमार पड़ गया या बहुत ही गर्म हवा लग गई, बेहोश हो गया, तो अभी ये वाइट कपड़ा पहन के वाइट डेजर्ट में जब जाएंगे ना तो कुछ पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे कोई आदमी मिस भी हो गया, हम इसको ढूंढ नहीं पाते, तो इसकी वजह से ये ढूंढ पाते हैं कि ये ऐसा कुछ काला काला वहाँ दिख रहा है, वहां जाके देखते हैं तो वहां आदमी पड़ा हुआ है, उसको लाया। पीछे सारे ऐसे लॉजिक होते थे, और ये अभी दुनिया जानना चाह रही है कि ये क्या थे, तो ये दुनिया भर में तो चल गया, लेकिन अभी हमारा विषय ये है कि ये बीमारी से हम कैसे बाहर निकलेंगे और हमारा पेट भी कैसे पालेंगे और बीमारी को कैसे खत्म करेंगे। लेकिन इसका रास्ता हमें हमें हमारे ग्राहक ही दिखाएंगे, ग्राहक ही हमको डिमांड करेंगे कि तुम यार इतना चौड़ा बना दो ना तो ये हमको चाहिए, या इतना लंबा बना दो तो ये हमको चाहिए। और उसमें ऐसा है कि कुछ लोकल चीजें भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। हमने जब अर्थक्वेक हुआ था तब जो हमारा जर्मनी हम जाने वाले थे, 200 वूल की शॉल थी हमारे पास, वो सारी दब गई, इसके अंदर होल हो गया, तो हमने दो कपड़े रख के बीच में इस वूल को डाल के एक गुदड़ी बनाई थी, और जत लोग जो है वो काथा का काम जो करते थे सिलाई का, उनसे कराई थी। तो हमारे एक दोस्त को दिया था अहमदाबाद के, वो गामठी वाले को मैंने प्रेजेंट किया था, उसको इतनी पसंद आई तो उसने ऐसे ही हमारे पास से 50 बनवाई। फिर उसके पास एक आदमी आया था मेहमान बन के, सुबह को वो उठा और वो है ने मेरे साथ जाएगी और ये डालता हूँ थे। तो ये एक चीज ऐसी बनी कि जिसके अंदर उनको छीन के ले जा रहा है, तो मतलब ऐसी भी चीजें बन सकती है। दूसरी बात ये है कि जो कॉपी करने वाले हैं वो कॉपी करते रहेंगे जमाने से, वो जमाने से चला आया है, लेकिन मैं आदमियों के दिलों के अंदर यार ये तो मैं नहीं दूंगा कैसे भी, ये तो क्योंकि इसके ऊपर मेहनत लगी है, इसके ऊपर काफी सारा घंटा काम किया हुआ है। तो आपका कहना है कि हम लोग को अपनी खासियत रखनी चाहिए, मगर दिमाग भी खुला रहना चाहिए थोड़ा बदलाव लाने के लिए, देखने के लिए कि लोग ग्राहक क्या चाहते हैं। और हमारा मेहनत के साथ फैशन का थोड़ा जाल मेल करेंगे तो उसका डिमांड कुछ और हो जाती है। I think we are ready for the next audience call, isn't it? That's right, Laila. Request you to please put the audience poll, Kamir. Mandika. Shani Manjumipur. Okay.
जीरो Request you to press on your screens. Are we ready? Come in. There it is. There it is on the screens. The question was, what is the major challenge for crafts? 34% people say low priority on government policy. 42% say sales and branding. 20% says unaffordable in local markets. 21% say production issues, sourcing raw materials, wages, etc. 75% say lack of awareness of the efforts, processes, and knowledge of crafts. So here we have the biggest challenge emerging to be lack of awareness about the crafts, about the efforts, processes, and knowledge on crafts. And followed by almost 50% on sales and branding. Over to you, Leila. Well, that's part and parcel of the same thing, I think. क्योंकि हमारे पास हिंदुस्तान में इतना कला है, इतने कारीगर हैं कि लोग उसको बहुत जैसा मामूली समझते हैं और बहुत जरूरी है कि चाहे कारीगर हो या एनजीओ हो या डिजाइनर हो, वो सब इसके ऊपर जोर दें, लोगों को समझाने में कि क्राफ्ट बनाने में कितना समय लगता है, उसमें इतना इतिहास भी है, इतना संस्कृति भी है और उसका मूल्य बहुत ज्यादा होना चाहिए, चाहे कि आप कोई ब्रांडेड चीज कोई मॉल में जाके खरीद लो। मगर ये जानकारी मेरे ख्याल से अभी तक बहुत कम है और कारीगर खुद नहीं समझते हैं कि उनका सामान और उतना उनका कला कितना इम्पोर्टेंट है, कितना खास है, कितनी यूनिक चीज है जो हमारे पास हिंदुस्तान में अभी तक है, जो दूसरे मुल्कों में नहीं है। तो इसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं और आपका क्या इसमें क्या ख्याल है? और मुझे इसके साथ एक चीज जोड़नी है कि हम लोग पहले ये नई पीढ़ी की बात कर रहे थे और इस्माइल भाई ने कहा कि नहीं, कच्छ में तो जवान लोग अपने कला में रहना चाहते हैं, अपने जो भी उनके पास जो है वो, काफी लोग दोबारा भी आ रहे हैं जो शहर में गए थे और फिर वापस आ रहे हैं चीजें बनाने। ये जो साड़ी जो मैंने पहनी है सुहेल खत्री की, वो मेरे ख्याल से कोई केमिस्ट की दुकान में काम कर रहा था और फिर वो वापस आया भुज दोबारा अपने खानदानी काम सीखने, और अभी तो पूरे सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं मगर विदेश में भी उसके चीजें इतने डिमांड में है। तो ये कच्छ में एनजीओस तो काफी हैं, खमीर है, सृजन है, कला रक्षा है, मगर उसके अलावा ये दो चीजें जो पिछले 20 साल के अंदर खड़े हुए हैं, एक तो कला रक्षा विद्यालय जो पहले था, अभी सुमैया कला विद्या शुरू हुई है, इससे कुछ फर्क है? आपको लगता है कि इससे जो जवान लोगों को इंटरेस्ट हुई है और कुछ सीखने को मिला है? अच्छा, ये कौन है, इसको भी पूछ लेते हैं है? ये नया जनरेशन है हमारा। आप बुनकर बनोगे कि नहीं है? हाँ। मैंने आपका फोटो देखा लूम के ऊपर बैठ के। हाँ, तो बताइए, आपके खानदान के बहुत से लोग कला रक्षा और सुमैया कला विद्या में शरीक हुए हैं, आपको क्या लगा उसका? हमारा जो भी कच्छ का जितना भी अलग अलग क्राफ्ट है उसमें नएपन का सब जरूरत होता रहता है और नयापन ही इस चीज को जिंदा रखता है। तो जब तक हमारा समझ है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जैसे आप 78 में आए
तब अकाल का समय था और उस टाइम में प्रभा बेन शाह थे, बशीन साहब, जैन साहब, आप, लैला जी, सब मिलके एक वो टाइम को बहुत अच्छी तरह से वापस निकाला सबकी सोच से। तो वैसे करते करते पूरे क्राफ्ट में, खास करके बुनाई में भी, और वो समय चला गया। 90 में और कुछ चेंजेस आए, 2000 में आते आते हमारा काम का मशीन ने कॉपी भी किया, तो और सब कुछ काम धीरे धीरे नीचे आ गया, यानी कि नयापन में इतना आया नहीं। तो उसी टाइम कला रक्षा विद्यालय, बाद में सोमैया, ये दो विद्यालय ऐसे आए कच्छ में, जिससे हम बोलेंगे कि कच्छ के पूरे काम को प्राण मिल गया, जैसे सांस मिली उसको। और वो जब तक हमारा, मेरा समझ है कि पुराने टाइम में हम जो भी चीज बनाते थे, हमको पता है कि ये टर्बन या ब्लैंकेट या शॉल इसी आदमी के लिए है और इसी समुदाय के लिए है, तो वो एक संबंध बनता रहता था। और वो चीजें कुछ टाइम बीच में, जैसे हमने बीच में प्रोडक्शन का काम लिया, वो प्रोडक्शन ये काम में आ ही नहीं सकता है। अगर आएगा तो उसकी खूबी है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। विद्यालय की आने की वजह से पूरे नए जो भी कारीगर हैं उसमें आए, और मेरा मानना है कि जो कच्छ के पुराने टाइम में हम आसपास के जो समुदाय हैं उससे कनेक्टेड थे, तो जैसे कि हमने आज तक जितना भी नया बनाया है वो कुछ भी नया नहीं बनाया है, जो भी हमारे पुराने चीजें थी उसमें से कुछ नयापन लिया और बाजार के साथ कनेक्टेड हुए। तो मेरे को लग रहा है ये जो विद्यालय ने उसी काम को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से और बड़े तरीके से काम किया। तो जो भी क्राफ्ट है, मेरे को लग रहा है कि जो भी काम और सोच और जो तरीका और जो डिजाइन को रखने की रीत जो पुराने चीज से आएगी, जो पुराना है, पुरानी परंपरा है, और उसके साथ हम फैशन को जब इन्वॉल्व करेंगे तभी उसका लाइफ है वो लंबा और जिंदा रहे। तो ये दोनों चीज का मिलाव लेने की, ये मिलावट, अपना पुराना परंपरा और संस्कृति और डिजाइन और बनाने का तरीका और नया डिजाइन और नया इस्तेमाल करने की चीजें बनाने का जो होती है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जितने भी खूबसूरत सामान बनाओगे अगर कोई उसका इस्तेमाल नहीं करने का कर सकते हैं तो उसका फायदा नहीं है। और अगर बिल्कुल आप कच्छ में बैठ के कोई मैगजीन को देख के कोई विदेशी सामान बनाओगे वो भी नहीं बिकेगा क्योंकि लोग वही खरीद लेंगे, बना रहे हैं। तो ये चीज, ये जो मिलावट पुराना और नया, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, मगर ये बहुत ही नाजुक है, इसको करना आसान नहीं है। तो जो डिजाइनर्स जो आते हैं और आपके साथ काम करते हैं सर, आप उनको क्या सुझाव देते हो? हमारा, हम उनसे पहले तो बात करते हैं, थोड़ा टाइम उनका बात सुनते हैं, एक दो महीना जब सुनेंगे उनको मना नहीं बोलेंगे कभी, कारीगर कभी किसी को मना नहीं बोलता है, वो तो मुझे बोलेगा ठीक है होगा। दो महीना होगा फिर हम बोलेंगे कि अभी 30% आप हमारा सोच रखेंगे तभी हम काम करेंगे। फिर एक नयापन आया पुराने से, फिर 3 महीना और चलेगा यानी 6 महीना हो गया, फिर बोलेंगे अभी 50% हिस्सेदारी हमारा होगा डिजाइन की सोच से। ऐसा हमको नहीं बनाना है कि जो बाहरी बने, मशीन से बने, और जो भी हमारा कपड़ा या शॉल कुछ दिन के बाद हमारे कस्टमर्स उससे तंग हो जाए और वो पोछा करें, वो चीज हमको नहीं करना है। क्योंकि ये हाथ का काम, कारीगरी है, इतना लोगों के हाथ से आती है। जैसे हम बुनाई करेंगे, कपास खेडूत करेगा, स्पिनर्स होगा, वीवर्स होगा, उसके बाद टसल्स लगेंगे, जब इतना काम होगा तब सब लोगों का इमोशंस इसमें आ जाता है। और हम सोच रहे हैं कि इतना लोगों का जब भाव आता है, उतना इमोशंस आएगा, तो वो कपड़ा एक जिंदा कपड़ा हो जाता है। तो ये चीज हमको लग रहा है कि जो पुराना चीजें हैं और दिखती हैं उसमें खूबसूरती आती है, उसमें एक बनाने वाले का उसमें बहुत बहुत ही भाव है,
जब बाजार से कई बार सिर्फ पैसों के लिए बनाएंगे तो वो चीज मेरा समझ से इतना नहीं आएगा। तो ये सब चीजें मेरे को लग रहा है कि जो नया कारीगरी है उसमें सबका मिक्सिंग होना चाहिए, और डिजाइनर लोग हैं उनको सिर्फ ऐसा नहीं सोचना ही चाहिए कि हम कॉपी करें। कॉपी सब कुछ मिक्स आएगा, पुराना आएगा, नया आएगा, क्योंकि हमको बाजार के साथ तो खड़ा रहना है, तो नया नहीं बनाएंगे फिर भी नहीं चलेगा। तो ये जो पुरानापन है वो बैलेंस करते हैं, 6 महीने के बाद हमारा 50% आता है, धीरे धीरे 1 साल के बाद वो डिजाइनर्स बोलते हैं कि श्याम जी भाई या जो भी है इस्माइल भाई, अभी आप बोले कि इसमें नयापन लाके क्या हमको करना है, तो एकदम नयापन नहीं आएगा। धीरे धीरे वो तब तक सोचेगा, बाजार को भी समझेगा और हम भी उनको समझेंगे कि जो डिजाइनर है उनका सोचना कैसा है। कई बार वो हमारी सोच से मैच नहीं भी होते हैं तो 6 महीने के बाद बोलते हैं कि हम आपसे काम नहीं भी कर सकते। तो ये चीज है, ये खास आज के जो नए स्टूडेंट्स बोलेंगे या विद्यालय के या नए जो भी हैं कारीगर हैं उनको मेरा सोच ऐसा है कि वो कॉपी ना भी करें, डिजाइनर के साथ काम भी करें, लेकिन पूरे का पूरा उनका ही मानना वो भी वाजिब नहीं है, उससे कारीगरी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। मुझे लगता है कि ये आत्मविश्वास कि ये हमारी परंपरा है और हम जानते हैं कि इसमें क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है, आपके आइडियाज लेने के लिए तैयार हैं, मगर ये हम बनाएंगे और हम इससे खुश रहना चाहते हैं, ऐसी चीज नहीं बनाओ जो जिससे आपका दिल नहीं लगे। अच्छा, ये सवाल हमेशा उठती है कि जब डिजाइनर और आपका संबंध होता है, पार्टनरशिप होती है, कोई डिजाइनर आके आपके साथ काम करते हैं, डिजाइन देते हैं, आप बनाते हैं, ये किसका है, ये आपका है या उनका है डिजाइन? नहीं, कई बार ऐसे होता है कि जब उनका 30% से नीचे है तब तक तो पूरा उनका ही रहेगा, जैसे हमारा हिस्सेदारी सोच में 50-60% से ऊपर जाएगा तब। काफी डिजाइनर्स ऐसे हैं जो आजकल जब ऑनलाइन सेल होता है तो वो जो भी कारीगर है उनका नाम भी रखते हैं, क्योंकि ये एक दोनों का समझ पैदा है। और जब वो लोग बोलेंगे कि सिर्फ हमारा ही काम है तब भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम बना के उनको देते हैं। आपका आपका नाम, आपका आपके कला का नाम का भी मूल्य है ना, वो भी एक लेबल है, डिजाइनर लेबल है। अगर बोलोगे ये भुजोरी का शॉल है उसमें भी कुछ है, और ये आपको हमेशा, इस्माइल भाई आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, बस अभी तो बोल चुके काफी सारा। कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए, तो फिर थोड़ा और कुछ शिकायत दे मैं आपको। नहीं, मुझे आपको, क्योंकि हम लोग ने डिजाइन और बदलाव के ऊपर काफी बात की है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब मुझे दिखाओ एक पीस जो बहुत पुराना है और एक पीस जो आप सोचते हो कि हाँ इसमें हमने कुछ नयापन डाला है, तो दिखाइए। अच्छा, आपने आपकी तिजोरी खोली है, दिखाइए हमें। क्योंकि लोग हमेशा, जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है वो हमेशा सोचते हैं कि क्राफ्ट कभी बदला नहीं है, तो पहले बनता था वो बनते जाता है। मुझे दिखाना चाह रही हूँ कि कितना बदलाव आया है। बदलाव में अभी ये एक पुराना भी है नया भी है, ये है मसाला। तो हमने अभी यह लॉकडाउन के टाइम में ऐसी जा नमाज बनाई, दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है, ये तो मैं बहुत बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ, तो अभी जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन घर पे बैठने का था, एक आदमी था काम करता था, तो हमने मस्जिदों के लिए जा नमाज बनाई, एक धामड़का की मस्जिद के लिए बनाया 21 मीटर लंबा, और हमारे ये मस्जिद के लिए बनाया 15.5 मीटर लंबा एक सब के लिए। और ये
पुराने जमाने में हमारे दादा परदादा हमारे फैमिली के तो ऐसी चीजें बनाते थे, आज भी है और काफी सारी वो कीमत रखती है, वैल्यू रखती है, डिजाइन रखती है। हम देखते हैं तो पुरानी जो याद है वो ताजा होती है। फिर यहाँ बैठ के मैं तो ये थोड़ा पुराना ही कर रहा था कि जैसे ये है, ये एक चुन्नी है जो मालधारी बूढ़ी औरतें पहनती थी। रमेश मलिर खानी होता, फिर हमने एक मलिर बनाया मलिर। अब मलिर का अभी क्या है कि जैसे जैसे काम करते जाते हैं ना तो वैसे वैसे हम लोगों को भी समझ आ जाती है मलिर खान मलिर अपना के ये बड़ा वो मसला है जिसके ऊपर तीन चार आदमी पहन सकते हैं। तो ऐसा लंबा भी बनाया, ऐसा छोटा भी बनाया। अभी ये नमाज पढ़ने में भी काम आता है, किसी को भेंट देने में भी काम आता है। फिर जो पुरानी पुरानी जो चीजें हैं ना कि जैसे ये चीज है, ये जो चीज है ये पुरानी है, इसकी हमने साड़ियां बनाई थी, आपको याद हो। दोहरे कपड़े में बजे हुए अभी भी हमने बनाई है चार, इसमें दो तो खाली हिंदी को डाई करके रखी थी और निकल गई थी। तो ये जो चीज है ने, ये अपने नयापन भी ला सकती है और चल भी जो ले लाल। देखो ये है ना, ये मलिर है, ये जत लोग पहनते थे, लेकिन इसको इसकी थीम क्या है हमें पता नहीं थी। लेकिन अब हम ये समझ गए कि ये जो सिंबल है ये कुएं का सिंबल है, क्योंकि वो खानाबदोश लोग है और उनको पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, तो पानी कहाँ मिलेगा, बराबर। फिर ये विंड का सिंबल है, हवा का, तो किस कहाँ बैठेंगे तो मच्छर कम लगेंगे, गर्मी कम लगेगी या सर्दी कम लगेगी, ये सारा सोचते थे। फिर ये तीसरा, ये लडूड़ो है, ये लडूड़ो है। अभी लडूड़ो उसको बोलते हैं, तो उनका जो सामान है ना उसको वो लोग लड बोलते हैं। तो एक घास आती है आरंडी करके, उसका वो वीविंग कर लेते हैं। फिर जहाँ पे बैठते हैं वहां पे एक इधर लगाया ऐसा हाट जैसा बना के अंदर रहते हैं। जब जाते हैं तब रोल करके ले जाते हैं, तो जब रोल करते हैं तो उसका जो ये होता है ना फिंगर, जैसे ये फिंगर जो हुआ, ये फिंगर, तो ये हुआ लडूड़ा, ये बराबर। अच्छा, अभी इसके अंदर एक मटका, ये जो है दादा, ये मटका पानी का ये लोग तीन जगह इस्तेमाल करते थे, और ऐसा मटका कच्छ में बनता है, ये इनको पानी के लिए भी काम आता था। एक हर एक मोटिव का कोई मतलब है और उसको इस्तेमाल करने का भी एक मतलब था। बस डिजाइन के लिए नहीं, मगर हर एक चीज का डिजाइन का एक मतलब वो एक मकसद था, एक मकसद था, एक नक्शा था साथ में कि हमको कोई चीज भूल नहीं रहे। पानी का मटका ले लिया, पानी कहाँ मिलेगा, हवा कैसी चल रही है, ये मटका इनको तीन जगह काम आता है, तैरने में भी काम आ जाता है, दूध में काम आता है। फिर ये लडूड़ो, तो ये फिंगर जो है वो पहले हमको ये समझ नहीं थी, अभी ये हम भी थोड़ा थोड़ा समझने लगे कि इसकी थीम क्या है, कि खाना बदोश थीम है, इसका नाम है मलिर। तो ऐसा है थोड़ा। अली मोहम्मद आप कुछ दिखाइए। जब मैं आपको 40 साल पहले जानती थी, जब क्या बनाते थे, अभी क्या बना रहे हो? अभी मुझे कुछ क्लैंप ड्राइंग दिख रही है आपके पीछे। पीछे है, हाँ जी। क्या करता ये मतलब आपकी असली बांधनी? ओके, मुझे मालूम है कि अभी भी आप इतने ही बारीक काम बना रहे हो। यस यस, साथ साथ ये भी क्लैंप डाइंग भी हो गई है। ये क्लैंप डाई है। और बांधनी दिखाइए। ये अभी नेचुरल डाई में बनाया है। और ये जो एंड है उसमें थोड़ा बांधनी का काम है। ये स्टोन है। ये अभी लेटेस्ट थोड़ा चल रहा है, बिक रहा है। हाँ। बहुत पसंद है। तो ये क्लैंप डाइंग के बिल्कुल
खिलाफ हूँ। लेफ्ट आई है मगर ऐसा ऐसी बात नहीं है कि एक काम ऐसा खराब है और एक काम अच्छा है, हर एक काम अच्छा है, मगर उसका जो एडजस्टमेंट जो करने का है वो आप बांधनी करते हो जितना हीन और नफीस उसको मत सही बात है। मगर ये मैं कर सकता हूँ ये बराबर है, मगर मैं ये भी कर सकता हूँ ये मेरा प्रूफ है। तो जो आर्टिस्ट है उसको सब जानना चाहिए, अच्छा काम रोजी रोटी कमाते हैं तो लोग हैं जो बहुत बारीक काम नहीं कर सकते हैं, तो जरूरी है कि उनके लिए भी कुछ डिजाइन बने जो वो आसानी से बने। मगर मुझे आपका कुछ खास महीन काम दिखाइए प्लीज। मेरा एक मेरी फैमिली का एक काम है, पुराने में वक्त में जो मेरे दादा और मेरे पिता जो थे वो उस वक्त में जो बना था वो मैं एक पीस में आपको दिखा दूं। दिखाया था अफसोस के ये है, मगर मुझे मुझे मालूम है कि अभी भी आप लोग इतना बारीक काम कर सकते हैं क्योंकि मैंने देखा है आपके घर में। सही बात है, मगर ये जो काम हुआ था एक जो उसके लड़के की बेटी है या उसकी बहू है उसकी जो अच्छी चीज बनाने के बनाए ताकि हम उनको भेंट कर दे या प्रेजेंट दे दे, तो उसमें पैसे कमाने की बात नहीं थी, वो एक प्रेजेंट देने के लिए बात थी ताकि बांधने का जो काम है वो पहले घर से बना है, बाजार में नहीं, पहले घर में बना है, घर के लोग पहनते थे, तो घर के लोग पहनते थे शादी ब्याह में उसको प्रेजेंट देते थे लड़की है या लड़का है, तो वो घर में ही बनते थे और बाजार में या कोई बाहर चीज नहीं मिलती थी, घर में बनी चीज थोड़ी थोड़ी बाहर आई जो पास नेबर जो थे तो वो कहने लगे भाई हमको भी ऐसी एक चीज बना दो, तो वो जो पड़ोसी है उसका जो पड़ोसी है कलाकार का तो वो कहेगा कि भाई मेरा एक ऑर्डर ले लो और मुझे ऐसी चीज बना दो ताकि वो थोड़ी सी चीज जो उसकी बनी हुई थी थोड़ी सी बाहर आई, उस वो बाहर आई तो सीधे से गांव के लोग कहने लगे कि भाई हमको भी ऐसी चीज चाहिए, तो वो गई बाहर गई, अभी वो अभी धीरे धीरे करके वो बाजार में आ गई, अभी तो पूरे वार्ड में चल रही है। मगर ये जो काम जो था अभी ये अभी नहीं हो सकता, ऐसा काम अभी नहीं हो सकता। उसका मतलब क्या है कि पहले जो कपड़ा आता था वो कपड़ा अभी नहीं मिल रहा है, पहले जो कलर आते थे वो अभी कलर नहीं है, पहले जो फिलिंग जो थी फिलिंग वो फिलिंग नहीं है, अभी फोकस हमारा पैसे के ऊपर है, पैसा कैसे ज़्यादा कमाए जल्दी जल्दी कमाए 12 महीने में हम 1,05,000,000 बन जाए, अभी ये सिलसिला चल रहा है, तो पहले जमाने में ये सिलसिला नहीं था, वो एक मोहब्बत थी, वो ऐसी चीज बना के कारीगर ऐसी चीज बना के अपनी बेटी को देता था, वो फीलिंग की बात हो गई है, तो वो सही तरीके से सही पीस बनाएगा, अगर जब बाजार की बात आ गई है तो वो तो पैसा कमाने के लिए ये समय की बात है मेरे ख्याल से। अभी कि कोविड का एक शायद फायदा है कि लोग समय का मूल्य समझने लगे हैं और कि चीजें आहिस्ता और प्यार से जो बनते हैं और उनका मूल्य भी समझने लगे हैं। श्याम जी भाई मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि सब लोग कहते हैं कि जो श्याम जी भाई में वो डिजाइन का समझ बहुत है, और मुझे भी हमेशा लगता है कि तुम
एक बाजार में आओगे, मुझे एक पुराना फटा हुआ पगड़ी का टुकड़ा दिखाओगे, और अगले बार आओगे और बोलोगे उसका मैंने एक साड़ी बनाई है या एक दुपट्टा बनाई है। तो आप जरा दिखाइए कि आप अपने परंपरा में ही टिक के नयापन कैसा लाते हो अपने चीजों में। दो तीन उदाहरण दिखाइए। जैसे ये हमने पहना है, ये एक रबारी लोगों का ब्लैंकेट होता था, जो वो खुद 2-2.5 किलो का ब्लैंकेट, और ये जो पैटर्न है वो टर्बन का पैटर्न। अच्छा, तो वो एक कंबल से ही हमने एक नया चीज जो आज के बाजार के लिए बनाया। तो जैसे ये टर्बन से इंस्पायर होके बनाया, और ये चीज है ये पूरा कंबल से आया हुआ है। तो वो चीज जैसे ये चीजें हैं, ये हर एक चीज को पुरानापन है, नयापन है, डिजाइन को थोड़ा अलग रखना है और बाजार को भी जोड़ना है। तो ये सब चीजें नेचुरल डाइज हैं, प्योर कॉटन है, और पहले तो वूल में बनता था। जैसे ये इंडिगो में है, वही चीज है। तो खूबसूरत ये चीज का, हाँ ये खूबी है जो यहाँ का। पहले तो ये चीज टेम्पल जो बोलेंगे हम, इसको साची कोर बोलते हैं। तो बीच में से एक शटल आएगा और यहाँ से वेफ्ट, हर एक धागा इंटरलॉक होगा। तो ये टेक्निक सिर्फ कंबल में होती है। तो आज के दिनों में ये चीज स्टोल्स हैं और शॉल्स में भी है, और बाजार के साथ जो भी है वो बाजार में और कॉटन में भी है, साल भर पहन सकते हैं। ऐसी चीज नहीं कि सिर्फ सर्दी के। सही, हाँ ये पूरा कॉटन ही है और नेचुरल डाइज। तो ये है मेरे ख्याल से रास्ता कि आपको देखना है कि आपका खजाना क्या है। खजाना ये पुराने चीजें भी हैं, आपके हाथ में जो कला है वो है, आपके दिमाग में जो अपने आपके बुजुर्गों की कहानियां भी हैं, वो सब चीज को मिला के आपको कुछ बनाना है तो फिर से दुनिया को जाग उठाएगी। तो यही है जो हम सिर्फ काम को काम नहीं देख के, एक साधना है, तभी ये काम एक परंपरा से नयापन और उसमें एक जिंदापन आता है। हमारा समझ ये रहेगा। तन्वीन, I think we must be yes we are a little, इतनी अच्छी बात चल रही है कि एक घंटा किधर निकला कुछ पता नहीं चला। मेरे यहाँ अभी तक लाइट नहीं आई है तो मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ, बट नेवर माइंड। सबसे पहले मैं बस एक दो पॉइंट्स बताना चाहूंगी। हमारे पास बहुत क्वेश्चंस हैं, हमारा टाइम 6:30 तक था, पर इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं कि मैं ये क्वेश्चंस लेना चाहूंगी। और इससे पहले कि हम क्वेश्चंस में जाएं, मैं सारे ऑडियंस को का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपके इतने क्वेश्चंस हैं और इतनी अच्छी पार्टिसिपेशन रही हमारे इस शो के लिए, थैंक यू। आशीष कोठारी का क्वेश्चन है, इन्होंने इनकी संस्था कल्पवृक्ष और नेखमीर के साथ 2 साल के लिए वीवर स्टडी की थी, तो उन्होंने लिखा है कि एक उनकी स्टडी में जो मुद्दा आया था आगे वो था फ्रिजिलिटी ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट्स, तो जो अभी हम कोविड के टाइम में देख रहे हैं। एक ये स्पेसिफिक सवाल है और श्यामजी भाई ये आपके लिए है, हम अगर प्रोडक्ट्स महंगे रहे तो हम उनको लोकलाइज कैसे कर सकते हैं? हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं अभी क्राफ्ट्स के वो सारे महंगे हैं, तो वो लोकल मार्केट्स में कैसे चल पाएंगे? लोकल मार्केट में हमारा समझ है कि जो भी लोकल मटेरियल यहाँ का होगा, पुराने टाइम में क्या था कि जैसे रबारी लोग हैं या आहिर है, वो स्पिन करके यान हमको देते थे और हम उसमें से प्रोडक्ट बना के उनको वापस देते, तो एक पार्टनरशिप था एक तरीके से। जो आज के दिन में थोड़ा सा अगर पार्टनरशिप वापस चालू हो, एक तरीका वो है, या दूसरा तरीका है कि ये डिजाइन का प्लेसमेंट्स को बदलाना पड़ेगा पूरा। अगर हम काम नहीं, हमको हमको हमारे पिताजी ने एक बार बोला था
कि आप फाइन से फाइन अगर काम करेंगे तब उसका लिमिट आएगा और वो काम सबके लिए फायदा रूप नहीं रहेगा। जब आप मीडियम या मोटापन होगा काम में, जैसे कंबल है, वो कंबल सब जगह काम आ सकता है, पहनने में, ओढ़ने में, बिछाने में, तो सब लोग ले सकते हैं, वो कॉटन भी बनाएंगे, वोल भी बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम मटेरियल को बदलेंगे, कहीं ना कहीं हम डिजाइन के प्लेसमेंट्स को बदलेंगे, तभी वो चीज एक प्राइस के लेवल में आएगी और वो लोकल बाजार के लिए सही रहेगा। मेरा समझिए, हर एक को अलग अलग चीजें रेंज रखनी चाहिए, ये नहीं कि एक ऊपर सिर्फ बहुत महंगे चीजें बनाए और एक रेंज होना चाहिए कि लोकल मार्केट के लिए भी, मेट्रो मार्केट के लिए भी, विदेशी मार्केट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक और सवाल इसी से संबंधित है कि हमने बार्टर सिस्टम या जजमानी की बात करी, आपने बोला कि जो वीवर जो स्पिनर थे वो आहिर कम्युनिटी थी, वो स्पिन करके लाती थी वीवर के पास अपना यान और वीवर फिर शॉल बनाते थे। एक और सवाल जो आया है कि क्या पॉसिबिलिटी है को क्रिएशन और कोलैबोरेशन इस जजमानी सिस्टम बार्टर सिस्टम को वापस लाने की, और शायद क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें हम पैसे का भी इस्तेमाल ना करें। ये सबके लिए सवाल है नेहा गांधी की तरफ से। इस्माइल भाई आई था आउडिया? हाँ नहीं मैं सही था। ये दुनिया के एतबार से ये तो मुश्किल बात है कि जो चीजें अभी उनको मोबाइल चाहिए तो मोबाइल कहाँ से निकालेंगे? बाटा सिस्टम से, तब तो पैसा ही चाहिएगा। आजकल तो लोगों की सब चॉइस से अलग हो गई है, उनकी जरूरियातें अलग हो गई है। ठीक है वो खाने पीने का मसला था तब तक तो ठीक बात थी, लेकिन आजकल तो खाने पीने से खाने पीने 10% रह गए, 90% दूसरी चीजें आ गई है। अभी क्या करेंगे, ये तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे तो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ये मतलब पूरे पूरे संसार को, दुनिया को समझ में आए कि मोबाइल का कीमत और एक बहुत खूबसूरत बांधनी का की साड़ी का कीमत एक ही है, तो शायद ये बंटवारा हो सकता है। ये तो ये हो सकता है, मेरे ख्याल से ये वही सवाल है। लेकिन वो तो वो एक साड़ी के लिए हो सकता है, एक साड़ी के लिए हो सकता है, दो के लिए हो सकता है, ज्यादा तो फिर तो इसको सेल करना पड़ेगा, या तो फिर जहाँ से रंग खरीदते हैं वहाँ मोबाइल दे दे। यही सवाल हमारे ऑडियंस पोल में भी था, जब हमने पूछा ऑडियंस से कि क्राफ्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, क्या जरूरी है, तो 75% लोगों ने बोला कि उसकी उसकी कला की जानकारी नहीं है लोगों को। तो शायद नहीं, बिल्कुल अभी भी एक साड़ी और एक मोबाइल फोन की वैल्यू हम एक दूसरे से कर सकते हैं, पर आधे लोगों को पता ही नहीं है कि साड़ी की वैल्यू क्या है। हमें इस समय सिर्फ मोबाइल फोन की वैल्यू ज्यादा लग रही है शायद। और साड़ी बहुत ज्यादा साल चलेगी बजाय कि मोबाइल जो हर साल बदलना पड़ता है। बिल्कुल, मोहम्मद की साड़ी 40 साल पुरानी साड़ी है जो मैं अभी तक खुशी से पहनती हूँ। वाह वाह क्या बात है। लाइक आई सेड, ये एक प्रोग्राम उस्ताद प्रोग्राम है हमारा। अगले प्रश्न पे जाऊंगी। निशा सुब्रमण्यम पूछ रही हैं कि विश्व भर में डिजाइनर कह रहे हैं कि पोस्ट कोविड के बाद एक नया सिस्टम आएगा जिसमें फास्ट फैशन जो है, जिसमें जल्दी जल्दी रंग डिजाइन मोबाइल फोन एक्सेट्रा बदलते हैं, वो जमाना पीछे चले जाएगा और हैंड क्राफ्टिंग और क्राफ्ट्समैनशिप का जमाना आगे बढ़ेगा। तो ये सवाल आप चारों से है, आपको कैसे लगता है कि आपकी कम्युनिटीज इस सिस्टम को, क्राफ्ट्समैनशिप और हैंडक्राफ्टिंग को आगे ले जा सकती हैं? अभी हमें तो पता नहीं कि ये होगा या नहीं होगा, लेकिन क्राफ्ट जो है वो तो है, पहले से काम है और चल रहा है। अभी ये भी हमें पता नहीं था कि ये कोविड आएगा और ये हालात होंगे लोगों के, पता नहीं आगे क्या होगा।
ये नहीं हो रहा प्रतीत, लेकिन जो होगा वो देखेंगे और अगर इसकी डिमांड हुई तो लोग तो काम करने वाले हैं, लोगों तो को काम चाहिए तो लोग काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक और सवाल है अर्चना मंगलगिरी की तरफ से, ये दो सवाल हैं। पहला भाग ये है, अर्चना मंगलगिरी कहती है कि जो यंग लोग हैं वो अपनी फैमिली ट्रेडिशन और क्राफ्ट से दूर जाते जा रहे हैं, शहरों में जाके काम कर रहे हैं, तो उनका प्रश्न है ये कि हम क्या अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं ताकि हम सेकेंड और थर्ड जनरेशन कारीगरों को आगे बढ़ाएं, मास्टर क्राफ्ट्समैन सेकेंड और थर्ड जनरेशन में बने। एक सवाल ये है, उसका एक एक और पहलू है जो दर्पणा अथाले ने बोला है, वो कह रही है क्या हम अपने यंग आर्टिजन्स पे ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, अगर उन्हें काम करना होगा तो वो करेंगे, अगर उन्हें नहीं करना तो वो कोई और अपने लिए काम ढूंढेंगे। हमारे चारों पैनलिस्ट से मैं ये डिबेट के बारे में थोड़ा पूछना चाहूंगी। ये सवाल इन लोगों को पूछने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि इन लोगों के तीनों के परिवार में नई पीढ़ी और उसके बाद एक और पीढ़ी तैयार है ये काम जारी रखने के लिए। और मेरे ख्याल से ये कच्छ और कश्मीर में दो जगह हैं जहाँ जवान लोग भी अपने परंपरा में जुड़ के काम कर रहे हैं, मगर जरूर हिंदुस्तान के दूसरे जगहों में ये नहीं है। ये मुश्किल है जी, जब जहां जहां क्राफ्ट सक्सेसफुल है वहां दूसरी और तीसरी पीढ़ी ऑटोमेटिकली इसमें जुड़ रही है, जहां कठिनाई है वहां उनको उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि वो अलग जगह में जाके काम करे। अगला प्रश्न है ध्रुवी शाह की तरफ से, वो पूछ रही है कि क्राफ्ट आजकल नॉन एसेंशियल आइटम लगभग एक लग्जरी आइटम के जैसे मानी जाती है, पर ट्रेडिशनली तो ये एक एसेंशियल प्रोडक्ट था, हमारी जरूरी जरूरतों का को के लिए था, तो इसके ऊपर कोई कमेंट आप लोगों की तरफ से? So many alternatives now. I mean, it's what Ismail Bhai was saying, that at one time people had to have cloth to wear, and it was automatically handcrafted because it was hand woven, hand ornamented. Now there's so many other types of cloth available. There's mill cloth, there's palloon cloth. So I think it still in a way is an essential commodity, but it is in competition with a whole lot of other That's alternatives. Right. That's right. इस समय competition बढ़ गई है तो लोगों के पास और choice है, आप बिल्कुल। Sky Morrison का सवाल है, how is digital divide affecting the artisans? ये जो digital, social media, online versus physical shops का जो physical selling का जो पूरा कार्यक्रम है, ये artisans के लिए को कैसे affect कर रहा है? क्या आपको लगता है कि आपको digital होना, e-commerce करना जरूरी है? श्यामजी भाई, इस्माइल भाई, क्या आपको लगता है e-commerce या ऑनलाइन सेलिंग जरूरी है? हाँ, e-commerce जो है ना वो एक तरह का हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट तो जरूर है, लेकिन इसके ऊपर हम हमारा मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते इसके आधार के ऊपर, क्योंकि मास प्रोडक्शन जो है वो जो हम ऑर्डर लेके बनाते हैं तो वो माल बनने से पहले बिका हुआ है। अब ये हम ई कॉमर्स करेंगे, हम उधर रखेंगे, फिर लोग पसंद करेंगे, खरीदेंगे, बाद हमें दूसरा कुछ बनाना पड़ेगा, और जो हम बनाएंगे वो बिकेगा या नहीं बिकेगा ये एक अलग बात है, इसलिए डिजाइनर रखना है, ये सब करना है, लेकिन मास प्रोडक्शन के अंदर हमारे लिए अच्छा है कि वो जो है माल बनने से पहले बिका हुआ है, लेकिन फिर भी ये जो है वो मैं उसको खराब नहीं कह रहा, क्योंकि इसके अंदर हमारी एडवर्टाइजमेंट हो रही है कि काम खुला हो रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, फिर भले खरीद ऑनलाइन करें या फिर
व्यापारी से करे। बल्क बिजनेस तनवीन एक बात, इसमें डेट भी खत्म हो रही है, अब मेरा कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी बता दो। ओके ठीक है, जब तक आप हैं तब तक के लिए, जब तक आप हमारे साथ इधर हैं तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और अगर ये प्रोग्राम खत्म होने से पहले आपकी बैटरी नहीं है तो फिर हम फिर जरूर मिलेंगे। ये मैं एक और लैला जी आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, दस्तकार भी अभी पोस्ट कोविड डिजिटल गया है, डिजिटल ऑनलाइन सेलिंग कर रहा है शायद पहली बार, इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत बहुत छोटा कदम हम लोग ने लिया, हम बहुत सालों से सोच रहे थे कि ये करना जरूरी है, मगर ये भी हम सोचते थे कि जो खासकर टेक्सटाइल हो या कोई भी हैंडक्राफ्टेड आइटम, उसको टच एंड फील के बिना बेचना बहुत मुश्किल है, मगर अगर अभी ऐसा समय आ गया कि लोग टच एंड फील नहीं कर सकते हैं और करते हैं टच एंड फील करने से, तो हम लोग सबको ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा और हम लोग ने वो शुरुआत की है, मगर इसमें हम यही चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे क्वालिटी का क्राफ्ट और खासकर वन ऑफ अ काइंड पीसेस बेचने की कोशिश करेंगे और ये नहीं के थोक में सामान बेचना, मुझे लगता है बहुत मुश्किल है और ये कारीगर के लिए अच्छा भी नहीं है, मगर ये एक शुरुआत है। ऐसा ऑनलाइन वेबसाइट तो अभी बन रहा है, मगर हमारे फेसबुक पेज और हमारे जो दस्तकार सोसाइटी का जो वेबसाइट है उस पर थोड़ी चीजें हम लोग ने डालना शुरू कर दिया है और यही कहती हूँ कि थोड़ी चीजें हैं जो सब कारीगर बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत महीन चीजें, और ये कभी कभी बाजार में नहीं बिकती हैं क्योंकि बाजार में सामान लोग आते हैं सोच रहे कि हम 500 रुपए 1000 रुपए खरीदेंगे, ज्यादा नहीं खर्च करना चाहते, बाजार में उसके ऊपर करना ये सब चीजें मुनासिब नहीं है, तो काफी चीजें बाजार में नहीं बिकती हैं जो मेरे ख्याल से ऑनलाइन में बहुत अच्छा हम फोटोग्राफी करके उसको सजा के डिस्प्ले करें तो ग्राहक खरीदने के लिए तैयार होते हैं, और बिल्कुल सिर्फ एक हफ्ता हुआ मगर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और हम उम्मीद रख रहे हैं कि इसको और आगे ले जाए। सुपर सुपर। एक कमेंट है जो मैं फटाफट पढ़ूंगी और एक आखिरी, दो बहुत जरूरी सवाल है, मैं दोनों लेने की कोशिश करती हूँ। मीनाक्षी बत्रे CAF इंडिया से कह रही है कि कोविड के बाद लोग एक स्लो लिविंग की तरफ, उन्होंने ये शब्द तो नहीं बोला, ये मेरा शब्द है, स्लो लिविंग की तरफ जा रहे हैं और कहती हैं कि आर्टिजन्स एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है सस्टेनेबल लाइवलीहुड की के लिए, तो ये सारे कारीगरों के लिए एक जरूरी एक अच्छा कमेंट है कि थैंक गॉड लाइट आ रही है, दैट इज पोस्ट कोविड राइट। आज मैं स्पेशली अपने स्टूडियो आई हूँ ताकि मैं ताकि मुझे अनइंटरप्टेड इंटरनेट मिले, यहाँ पे अच्छा इंटरनेट है घर से ज्यादा, और एन मौके पे 5:30 बजे लाइट चली गई। ओके तो ये एक के हमारा जो कारीगरी है वो एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड का उदाहरण है, वो एक कमेंट आया है, और ये डिजिटल डिवाइड के बारे में हमारा जो चौथा वाला वेबिनार है जो होगा 5 मई को, उसमें हम यंग आर्टिजन्स के साथ बात कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन सेलिंग कैसे कर सकते हैं, सो रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द 5 मई सेशन ऑन फ्राइडे। जून। पूजा तना का सवाल है कि एक उनका भी ये कमेंट है कि काफी जो कंपनीज हैं वो बेस्ट कारीगर्स को प्रोटोटाइपिंग के लिए
बताती है, पैसे खर्च होते हैं, सैंपल्स बनते हैं, पर ऑर्डर्स उन्हें नहीं मिलते. जो कारीगर सैंपल्स बनाते हैं उन्हें ऑर्डर्स नहीं मिलते. तो वो उनका सवाल है, क्या हम इस प्रथा को कैसे बदल सकते हैं? कोई कमेंट्स? जो बड़ी कंपनीज हैं वो बेहतरीन आर्टिजन से अपने सैंपल्स तो बना लेती हैं पर उन्हें वापस ऑर्डर नहीं देती. सैंपल बना के देना ही नहीं चाहिए या फिर शर्त रखनी चाहिए कि हमारे सैंपल की कॉपी नहीं करेंगे आप लोग तो हम सैंपल बना के देंगे वरना नहीं देंगे. वो जो अग्रीमेंट करते हैं उस अग्रीमेंट में मना करना चाहिए ऐसे लोगों को. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एंड क्राफ्ट पीपल शुड शेयर द नेम्स ऑफ कंपनीज हु इंडल्ज इन बैड प्रैक्टिसेस. यस दैट्स अनदर गुड आइडिया. यस I have been, Tanveen? Yes. I have been told that I cannot leave the screen without sharing some information with all of you. Yes. ये बात है कि ये एक मौका है आप लोगों को नए डिजाइन और नया सामान बनाने. और आप लोग को मालूम है कि हर साल वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ये अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम करते हैं और इस साल उन्होंने उसका टाइम भी एक्सटेंड किया है कि जुलाई के पहले हफ्ते तक आप एप्लीकेशन भेजने का समय है और फिर साल के अखीर तक आपको सामान बना के भेजना है. उसका कीमत भी कम कर दिया एप्लीकेशन का. तो आप जरूर कुछ बनाइए क्योंकि ये एक मौका है कि आपका सामान पूरी दुनिया में दिखती है और उसका प्रचार हो सकता है. आई होप ये जो हमारे कच्छ के यंग आर्टिजन्स भी इस प्रोग्राम में ट्यून्ड है वो भी ये बात स्पेशली आपके लिए है. आई होप आप सुन रहे हैं और प्लीज इस टाइम का इस्तेमाल कीजिए बेहतरीन जिसे कहते हैं एक्सक्विजिट पीसेस बनाने के लिए, चाहे वो मैक्सिमम हो या मिनिमल हो, दोनों तरफ से. आखिरी एक सवाल जो मैं लेना चाहती हूँ वो शिल्पा शर्मा की तरफ से है. वो कह रही है कि कच्छ का जो क्लस्टर है वो इंडिया की क्राफ्ट में काफी आगे है, सबसे आगे है लगभग. जैसे लैला आपने बोला कच्छ और कश्मीर, ये दो क्राफ्ट क्लस्टर्स बहुत आगे हैं. उनका सवाल है कि ये हम हाउ कैन दिस बी रेप्लिकेटेड, और प्रांतों में ये हम कैसे ले जा सकते हैं? मेरे ख्याल से दो तरीके हैं. एक तो के कच्छ और कश्मीर में दोनों जगह बिल्कुल अलग हैं मगर दोनों जगहों में क्राफ्ट पीपल को बहुत इज्जत दी जाती है. लोग कच्छ में भी और कश्मीर में भी अगर कारीगर हो तो उसको इज्जत मिलती है, उसको रिकग्निशन मिलती है, जो दूसरे हिंदुस्तान के भाग में ये नहीं होता है. क्योंकि जब कोई भी इंसान काम करते हैं वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं काम करते हैं, वो चाहते हैं कि उनको कुछ इज्जत दी जाए, कि वो दी जाए. और अगर हम लोग सब सिर्फ खूबसूरत चीज़ों की इज्जत नहीं कर रहे हैं मगर वो हाथ और वो लोग जो बनाते हैं वो खूबसूरत चीज़ें उनको भी इज्जत दें तो मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान एक कच्छ या कश्मीर बन सकती है. बिल्कुल बिल्कुल. इस्माइल भाई आपसे इस लास्ट वर्ड्स, आपसे इस कार्यक्रम को अंत करने के लिए जो कंक्लूडिंग शब्द हैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप कुछ बताएं किसके बारे में? ये क्राफ्ट दूसरी जगह क्राफ्ट ले जाने के बारे में जी. और जी जी जी. और ये भी कि मेरे ख्याल परसों ईद है कि कल ईद है, उसके लिए भी सबको मुबारक. कल है कि परसों आप मना रहे हैं? चांद देखेगा कल तो परसों मनाएंगे, चांद नहीं देखेगा तो फिर नरसों मनाएंगे. ठीक है. ऐसा है कि कच्छ के अंदर बहुत अच्छा क्राफ्ट है. ये लैला जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया आस पास लिए कि कच्छ के क्राफ्ट को जो प्रमोशन मिला है ऐसे प्रमोशन अगर दूसरे एरिया के क्राफ्ट को मिलेगा तो वो भी आगे निकल सकते हैं. और वहाँ के जो कारीगर लोग हैं
वो भी अपनी दिलचस्पी ठीक ढंग से दिखाए और दिल से अगर काम करे, उसको काम की जो वैल्यू बढ़े, तो वो भी कच्छ और कश्मीर की तरह हाईलाइट हो सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। बाकी ईद है और ये बीमारी भी है, बीमारी से भी बचना है, ईद भी करना है, सोशल डिस्टेंस भी रखना है, मास्क भी पहनना है। तो ईद की सब सबको मुबारकबाद हो एडवांस में, आपको भी, आपको आपको चलिए। कोई कुछ लास्ट शब्द जो कहना चाहे, हम नहीं तो यहाँ पे अंत कर सकते हैं अपना कार्यक्रम। पहला जी, मेरे ख्याल से एंड नहीं करेंगे क्योंकि कारीगरी तो चलते रहेगी, मगर ये बात की शायद बंद कर दें आज के लिए जी। मैं बहुत उम्मीद रख रही हूँ कि हम लोग नई पीढ़ी को भी के साथ भी मिलके बात करने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो सबसे खुशी की बात है कि कच्छ में वो लोग लेके जी। हमारा अगला थैंक यू पैनल, लैला जी, अली मोहम्मद, ईशा, इस्माइल भाई और शाम जी भाई, थैंक यू वेरी वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। बहुत क्वेश्चंस आए हैं और बहुत अप्रिसिएशन आई है, वो चैट हमने सेव कर लिए, वो आपके साथ बाद में हम शेयर करेंगे। हमारा अगला प्रोग्राम अगले फ्राइडे है 29 मई को, और हम सतीश जो है फाउंडर ऑफ कोरा, जो बिहार, आंध्र प्रदेश और कच्छ में स्पिनर्स और वीवर्स के साथ काम करते हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। वेलकम वेलकम एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक। बाय बाय।